इससे पहले जो वीडियो बनाए थे बहुत ज़्यादा उस पर व्यूज गया था। शायद बहुत लोगों का डिमांड रहता है कि पोस्ट ऑफिस का जो पासबुक है और कार्ड है उसको लिंक करने से क्या फ़ायदा होता है और उसको कैसे लिंक किया जाता है दर्पण डिवाइस में, सॉरी माइक्रो एटीएम में। तो अभी आपको वो करके दिखाएंगे, ठीक है। वो माइक्रो एटीएम में अभी जाके खोलेंगे। तो ये खुला हुआ है मेरे पास पहले से। अभी इसमें जाएंगे, यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट, सर्विस रिक्वेस्ट है, इस पर जाके क्लिक करेंगे। ये जो है माई टास्क और बैलेंस इंक्वायरी के नीचे इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कस्टमर का मोबाइल नंबर, आधार या अकाउंट नंबर से हो जाता है, या क्यूआर कार्ड को स्कैन करेंगे तो हो जाएगा। तो हमारे पास मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर दीजिए। तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, अभी इस पर ओटीपी भेजेंगे। सेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि बहुत देर पहले लॉगिन किए थे, थोड़ा सा रुक जाइए। तो अभी इसको हम लॉगिन कर लेते हैं फॉर जल्दी से। लॉगिन करने के बाद फिर से वही चीज़, सर्विस रिक्वेस्ट फिर से बोलिए। तो 8509 ओटीपी जाएगा। आपका कितना का था? 07 44 50 07 44 50। यहाँ पे देखिए खुल गया। खुलने के बाद यहाँ पे देखिए सर्विस अकाउंट सर्विस है, यहाँ पे देखिए मैनेज पीओएसबी अकाउंट, ये है ना मैनेज पीओएसबी अकाउंट, इस पर जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये स्टेटस एक्टिव है, अकाउंट अभी एक्टिव है। और ये जो पोस्ट ऑफिस का जो कार्ड है उसका अकाउंट नंबर यहाँ दिखा रहा है, पूरा तरह से नहीं दिखा रहा है। SBI RPM अकाउंट है। अभी POSB जो पासबुक होता है हम लोग का, ये वाला पासबुक, इसका अभी कस्टमर आईडी यहाँ पे इंटर करेंगे। कस्टमर आईडी इंटर कर रहे हैं, उसके बाद POSB अकाउंट नंबर। सबसे घटिया एप्लीकेशन हुई, हम खुद ही यूज नहीं करते मथा गर्म हो जाता है उससे, अच्छा तो फोन पे। तो री इंटर करेंगे, अभी री इंटर करेंगे सेम अकाउंट नंबर, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखा, उसको इंटर करेंगे 0679। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिंक का ऑप्शन है, लिंक का ऑप्शन है, इसको जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये घूमेगा, यहाँ जितने भी टर्म एंड कंडीशन है सबको ओके करना पड़ेगा। आप पढ़ भी सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे देखिए एक भी रुपया नहीं लिया जा रहा है, जीरो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। यहाँ पे कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद फिंगरप्रिंट यहाँ पे लेंगे, दीजिए। तो फिंगरप्रिंट यहाँ पे फिंगरप्रिंट टैप करेंगे, फिंगरप्रिंट लेंगे एंड हो जाएगा। तो इस तरह से DOP अकाउंट लिंक्ड सक्सेसफुली हो चुका है। आप देख